चिंता मत करो, तुम बस आगे बढ़ो। बालवीर, भूत। ए भूत। राजू। हाँ सर। भूत नहीं है। हाँ जी होगा सर, आपने भस्म जो डाली है भूत भाग गया होगा। गया। ये पिचकू आ क्यों नहीं रहा है? लगता है पिचकू कुछ ज्यादा ही बिल्डअप ले रहा है। ये झटका बाबा की भस्म में सच में तो बाबा नहीं थी ना? भूत। ए भूत। भूत, एक बात याद रखना, कुत्ते के मुंह से हड्डी छीनना और पप्पन सेठ से उसका बिजनेस छीनना इम्पॉसिबल है। सर अब तो मुझे मेरी जॉब वापस मिल जाएगी ना सर? हाँ, वो भी विद प्रमोशन। थैंक यू सर। अब फोड़िए सर नारियल। ला। अरे सर नीचे, सर नीचे। बालवीर, ध्यान रहे कि नीले पर ही तुम्हारे पैर पड़ने चाहिए और आगे बढ़ते जाना, वरना तुम उस लेखनी तक नहीं पहुंच पाओगे। और जैसे ही तुम उस लेखनी को उठाओगे तो वो खुद ब खुद उस लाल रंग की नदी की सिहाई से मंत्र लिख देगी जो हमें पिचकू तक पहुंचा सकता है। हाँ, लेकिन बालवीर ध्यान रखना, जहां जहां वो नीली रंग की जमीन नजर आ रही है सिर्फ वही पैर पड़ना चाहिए, वरना अगर उस लाल रंग की जमीन पर पैर पड़ गया तो ये नुकीले पत्थर हम पर गिरने लगेंगे। ध्यान रखना। माँ, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं यहाँ पर अकेला। नहीं बालवीर, मैं अपने बेटे को इन बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए अकेला कैसे छोड़ सकती थी? तुम मेरी चिंता मत करो, बस आगे बढ़ते जाओ। अब समय आ गया है बालवीर के मन में बालपरी की सुरक्षा को लेकर जो डर की चिंगारी है उसे डर की आग बनाने का। लेकिन माँ, मैं आपको इस खतरे में छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम आगे जाओ।
माँ, नहीं कर सकता क्योंकि दर्द तो मुझे ही हो रहा है। बालवीर, ये सब रोकने का हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम जल्दी से जाओ और उस लेखनी को उठाओ और उस मंत्र को प्राप्त कर लो। नहीं माँ, मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। माँ, नहीं। तौबा तौबा। ए, कौन है? सोने दो ना। तौबा तौबा। यार सोने दो ना, बोला ना। कौन है? कौन है? कौन है बदतमीज? रे तुम। ए पिछको। चलो चलो। वेट अ मिनट। अरे तुम पिचकू को लेके कहां जा रहे हो? छोड़ा ये चुंबक के बिना हम पिच्छू को कैसे पकड़ेंगे? क्या तुम भी रे? खेलना चाहते थे ना हमारे साथ, सो नाउ गेम इज ऑन। चीकू पीकू चीकू। यस पिट्टू, इससे पहले कि रे वापस आ जाए मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छाई और भलाई वाला काम कंप्लीट कर लेना चाहिए ताकि तुम अपनी दुनिया वापस जा सको। चीकू पीकू चीकू।
माँ, जा रहा हूँ। उफ, क्या सुकून है। बालवीर मुझे माँ बोल रहा है। हाँ हूँ मैं तेरी माँ। काल-लोक की भैरानी बेवकूफ बालवीर। अब ये ऐसे नहीं रुकेगा। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। मंत्र पूरा होगा, बालवीर का डर बढ़ेगा और वो अपने ही डर से मर जाएगा। चलिए माँ, निकलते हैं यहाँ से। लेकिन बालवीर, मंत्र तो हमें मिला ही नहीं, अब पिचकू को कैसे? चिंता मत कीजिए माँ, मैंने उस मंत्र की तस्वीर अपनी स्मृति में कैद कर ली थी। ये देखिए, अब इस मंत्र की मदद से हम पिचकू को ढूंढ सकते हैं इससे पहले कि तिमनासा उस तक पहुंच जाए। अच्छे लोगों की यही कमजोरी होती है, तुम्हारी अच्छाई। अब इस मंत्र की मदद से मैं पिचकू को अपने वश में कर लूंगी और फिर वीरलोक का और तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी। अब क्या करोगे तुम? तिमनासा! और है कोई भूत पिशाच प्रेत तो बुलवा लो, क्योंकि अभी छट्टा बाबा की दी हुई ये भूत मार भस्म है हमारे पास। कल से तो इस ग्राउंड पे कसिनो का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो जाएगा। अब तक तो तुम सब ये जान गए होगे, अपन से कोई भी दाव हारता नहीं है। हाँ।
पिचकू। चीकू पीकू चीकू। दाव नहीं हारते होंगे मोटू अंकल, लेकिन आज आपकी दाव पलटने वाली है। क्या बकवास कर रही हो? अंकल आप एक बार पीछे तो देख लीजिए, फिर आपको सारी बकवास समझ में आ जाएगी। मैं पीछे मुड़ के देखूं? हाँ। उसमें क्या है? झटका बाबा की भूत बसम फेंकी इसके ऊपर जल्दी। जय झटका बाबा, जय झटका बाबा, जय झटका बाबा, जय झटका बाबा। माँ कसम ये भस्म तो नकली निकली बॉस। हाँ ये जरूर नकली है, लेकिन ये जो आपके सामने खड़ा है ना वो असली है। अगर दोबारा इस खेल के मैदान को बच्चों से छीनने की कोशिश की तो सोच लो मैं क्या करूँगा। माफ कर दो, मैं तो अब तक बब्बन सर को बॉस समझता था, लेकिन आप तो हम सबके बॉस निकले। I promise, ये प्लेग्राउंड क्या, मैं तो इस शहर को दोबारा नजर डाल के नहीं देखूंगा। आज ही तुमने एक अच्छाई और भलाई का काम पूरा कर लिया है, सो अब तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। We will miss you, Pichku. चीकू पीकू चीकू। ये क्या है? लगता है बालवीर पिचकू को बुला रहा है। सो पिचकू अब तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। अगर तुम बच्चों ने मुझे मौका नहीं दिया होता और मुझ पर विश्वास नहीं किया होता तो मैं अपने घर नहीं लौट पाता, इसलिए थैंक यू और बाय बाय पिचकू। चलो थैंक यू विवान, आज मैं तुम्हारी वजह से अपनी दुनिया में दोबारा वापस जा रहा हूँ। ये सब क्या है? ये मुझे वश में करने वाला मंत्र है। अगर ये शब्द मेरे कानों में चले गए तो जो भी ये मंत्र पढ़ रहा है मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा सदा के लिए। क्या पिचकू तो जल्दी जाओ। नहीं गया ना हथौड़ा। अरे इसने तो मेरे तशरीफ पे हथौड़ा मारा है, लेकिन आपकी अचूक योजना पे हथौड़ा मारा है। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी और पिचकू को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ विवा, अगर तुम अपने दिल की बात नहीं मानते तो पिचकू आज तिमनासा के चंगुल में फंस चुका होगा। और वो देखो बच्चे खेल का मैदान पाकर कितने खुश हैं। अब बच्चे खुश होंगे तो भगवान जी भी तो खुश होंगे, है ना? तो फिर इसमें माफी मांगने की क्या बात? रियली
मतलब आप लोग मुझसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है? नहीं। तो फिर मैं भी अपनी बल्टन के साथ क्रिकेट खेलने जाऊं? ठीक है, चलो बल्टन, हमारी अधूरी बैटिंग पूरी करते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.